देख लेते हैं कि हमारे पास हमारे ग्लूकोजेनेसिस फ्रॉम द अमाइनो एसिड कैसे हो सकती है। अब हम पास कुछ होते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, जो यहाँ पे हमारे पास एक लंबी लिस्ट बनी हुई है। देखें इसको याद करने का तरीका होता है हमारे पास जो है ना कि कैसे याद करते हैं कि कौन से ग्लूकोजेनिक है और कौन से हमारे पास कीटोजेनिक है। कि देखिए हमारे पास ग्लूकोज कीटोजेनिक का आप लोग याद कर ले LL मतलब कि ल्यूसीन और लाइसिन, और ग्लूको एंड कीटो बोथ में जो होते हैं वो होते हैं PITT। ठीक है, तो ये हमारे पास PITT हो गए। उसके अलावा जो सारे के सारे बच जाते हैं ना, वो हमारे पास सारे के सारे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अ निमोनिक, इजी निमोनिक आप लोग याद कर सकते हैं। उसके अलावा अब देखते हैं हम लोग के इसमें से बनती कैसी है। अब हमारे पास जो भी हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो हमें क्या देते हैं, वो देते हैं पाइरूवेट, या फिर हम लोगों को वो दे देते हैं इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट जो हमारे पास हमारे ग्लूकोजेनेसिस में पार्ट ले सकता है। ठीक है, तो वो फिर हमारे पास कंटिन्यू होके सारी सारी साइकिल चल जाती है, या तो पाइरूवेट के थ्रू या फिर किसी इंटरमीडिएट के थ्रू। और उसके बाद हमारे पास जो है ना क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा कोई एंजाइम है LNN है, तो LNN क्या करेगा, LNN ट्रांस अमाइनेज के थ्रू क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द पाइरूवेट, और फिर वो हमारे पास पाइरूवेट सारी सारी साइकिल चला लेगा। ऐसे हमारे पास सारे होते हैं। फिर हमारे पास हम आते हैं हमारे ग्लाइसरोल पे। अब ग्लाइसरोल हमारे पास हमारे फैटी एसिड्स में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फैटी एसिड्स से कैसे बनती है ग्लाइसरोल का, यहाँ से देखें ग्लाइसरोल पहले तो उसको एक्टिवेट किया जाता है। अब किसी की भी एक्टिवेशन के लिए हमें उसको काइनेज देना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी होगी तभी तो वो एक्टिवेट होगा। तो ग्लाइसरोल कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइसरोल 3-फॉस्फेट बाय द ग्लाइसरोल काइनेज, और ATP यहाँ पे यूटिलाइज होगी। उसके बाद ग्लाइसरोल 3-फॉस्फेट जो है वो DHAP में मतलब डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा थ्रू ग्लाइसरोल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे हमारे पास NADH प्रोड्यूस होगी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फिर वो हमारे पास इन द ग्लूकोजेनेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे जैसे हमारे पास ग्लाइसरोल काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रोपियोनेट कैसे शामिल होता है। अब देखिए प्रोपियोनेट हमारे पास हमारा एक ऑड चेन फैटी एसिड जो हमारे पास हमारे होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं, या फिर हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे मिथियोनाइन और आइसोल्यूसिन, उसमें से प्रोड्यूस होता है हमारे पास हमारा प्रोपेनॉल कोएंजाइम ए। और फिर क्या होता है कि हमारे पास प्रोपेनॉल कोएंजाइम ए कार्बोऑक्सीलेज काम करता है, और फिर वो कन्वर्ट कर देता है इसको इनटू द मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए। और कार्बोऑक्सीलेज है तो मैंने आपको पहले बताया था कार्बोऑक्सीलेज नीड्स विटामिन B7 और द बायोटिन, तो यहाँ पे भी हमें विटामिन B7 या फिर बायोटिन हमें चाहिए होगी, और उसके अलावा ATP चाहिए होगी। उसके बाद ये प्रोपेनॉल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए, और फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इनटू द सीजनल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे जो हमारे पास मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम इंडस्ट्रियल कोएंजाइम इसको चाहिए होती है विटामिन B12। अब ये जो विटामिन B12 है ना, अगर ये हमारे पास हमारी एनीमिया है तो हमारे पास क्या होगा कि ये स्टेप नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक डिजीज कंडीशन होती है जो आप लोग ज्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे इनटू द अमाइनो एसिड वाले चैप्टर में। अच्छा, एक और बात जो हमारे पास अब इंडस्ट्रियल कोएंजाइम हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, आप लोगों को समझ सोच रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल कोएंजाइम में कहां पे काम आएगा, बिकॉज इस पूरी साइकिल में तो नहीं है। ये इंडस्ट्रियल कोएंजाइम ए बेसिकली जाएगा TCA साइकिल में, इंडस्ट्रियल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा इनटू द मैलेट। ठीक है, उसके बाद मैलेट हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू द पाइरूवेट। कैसे कन्वर्ट होगा, या तो डायरेक्टली थ्रू द मैलिक एंजाइम, या तो जिसको हम लोग मैलेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, उससे कन्वर्ट होगा इनटू द ऑक्सलोएसीटेट, देन ऑक्सलोएसीट या फिर ऑक्सलोएसीटेट कन्वर्ट होगा फिर पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो रास्ते हैं सुइसनाइल इनको एंजाइम ए के पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम लोग लैक्टेट में से कैसे बनाते हैं। अब लैक्टेट हमें पता है क्या है कि डेड एंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इन द ग्लाइकोलाइसिस, तो हमारे पास पाइरूवेट इन द एनारोबिक कंडीशन कन्वर्ट होता है इनटू द लैक्टेट। यहाँ पे ये NADH यूटिलाइज करता है और NAD प्रोवाइड करता है ताकि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल चल पाए। तो हमारे पास जो है ना क्या होता है कि लैक्टेट है ना, ये हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है इनटू द पाइरूवेट, और फिर वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू द ग्लूकोज। तो वो कैसे होता है मैं अभी बताती हूँ। एनारोबिक कंडीशन होती है तो क्या होता है कि पाइरूवेट कन्वर्ट होता है इनटू द लैक्टेट, तो द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है NADH, एक NADH मतलब 3 ATP। ठीक है, अब क्या होगा जब हमारे पास एरोबिक कंडीशन वापस आ गई, ठीक है, तो क्या होगा कि लैक्टेट हमारे पास परमिएबल होता है टू द मेम्ब्रेन, तो वो क्रॉस करके जाएगा थ्रू द ब्लड, वो रीच करेगा लिवर में, और लिवर में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द पाइरूवेट में, तो द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका एक इनहिबिटर होता है ऑक्सेमेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हमारी जो एनर्जी है वो हमारे पास बनेगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे हमारे पास लैक्टेट पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे पास हमारी ग्लूकोजेनेसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, देन इसको हम लोग बोलते हैं कॉरी साइकिल, कि हमारे पास जब एनारोबिक कंडीशन है तो हमारे पास हमारा पाइरूवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, देन फिर हमारे पास एरोबिक कंडीशन आ जाती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा लैक्टेट है वो हमारे पास लिवर में जाता है, वहां पे पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज अ कॉरी साइकिल। ठीक है, पास एक और रास्ता है, दैट इज द केहल साइकिल। अब क्या होता है कि केहल साइकिल इज बेसिकली द ग्लूकोज LNN साइकिल। क्या होता है कि मसल से हमारे पास हमारे अमाइनो एसिड्स को लेके जाना होता है इनटू द लिवर, तो वो हमारे पास हमारा LNN काम करता है, तो LNN ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है अमाइनो एसिड का फ्रॉम द मसल टू द लिवर, तो वो लिवर में लेके जाता है और वो वहां पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पाइरूवेट थ्रू द ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस थ्रू द LNN ट्रांसअमाइनेज एंजाइम, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पाइरूवेट, और पाइरूवेट से फिर हमारे पास ग्लूकोजेनेसिस से ग्लूकोज बना देता है, और फिर वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाती है, बिकॉज मैंने ये आपको बताया ना कि लिवर वाली जो होती है वो ही सिर्फ फ्री हो सकती है
सकती है, मसल वाली फ्री नहीं हो सकती। तो मसल वाली को अगर फ्री होना है तो उसको ये सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द ग्लूकोज एलेनिन साइकिल।